हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और इस वीडियो में बात करूंगा कि इंटरव्यू के टाइम जब आप इंटरव्यू दे रहे हो वीज़ा ऑफिसर के सामने हो तो कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जिससे आपको अवॉइड करना है, ठीक है, ताँ जो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दो और अपनी इंटरव्यू क्रैक कर सको। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर दो पहले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वी रिलैक्स एंड स्पीक फॉर्मली। तो ये तो बात है ही यार कि आप नर्वस ना हो। मैं जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बोलता हूँ कि आप नर्वस ना हो, वो किसी भी कारण कोई भी दूसरी बात ना सोचो। पहले तो चलो माइंड इतना फ्रेश होता है कि हम और चीज़ें नहीं सोचते, इंटरव्यू का ही सोचते हैं। तो कोई भी और आइडिया, जब मैं ऐसे बोलूँगा या मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब बंदा खड़ा होता है ना वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वो बंदा पूरा नर्वस हुआ होता है। तो आपने शो नहीं करना है। तो जब बोलना है, हल्क लाना नहीं है, नॉर्मली बोलना है। जैसे आप घर में बात करते हो या अपने टीचर से बात करते हो, उसी तरीके से नॉर्मली बात करो उनसे, ठीक है। वो खा तो जाएंगे नहीं आपको। तो यही चीज़ें वो आपकी देखते हैं कि यार बंदा जेकर इतना अभी डरा हुआ है तो आगे जाके ये स्टडी कर लेगा किसी और कंट्री में, अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। दूसरा, झूठ तो बोलना ही नहीं। ऐसे नहीं है कि मैंने जी इतने कॉलेजेस में अप्लाई किया और मुझे इतने कॉलेजेस में एक्सेप्टेंस मिल गई, मिली हो एक में। तो ये चीज़ को कभी मत बोलना कि आपने चार कॉलेजेस में, ठीक है, अप्लाई किया, चारों के चारों ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, है ना, आपने नाम भी बोल दिए। जेकर अगला बंदा बोलेगा कि दिखाओ, जेकर आपको तीन में से एक्सेप्टेंस मिली है, एक से मिली नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो बंदा आपका सिंपली वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। जो बोलो सच ही बोलो। जे आपने एक में अप्लाई किया है, आपको एक से ही I-20 आई है, तो आप बोलो कि मैंने एक में ही किया, मुझे एक में ही I-20 आई। जब मैंने तीन में किया, अब भी मुझे I-20s नहीं आई हैं, पेंडिंग है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। ये नहीं कि मुझे सभी से आई है, ओके। और थर्ड पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आंसर। ये चीज ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो हमारा वीजा लग जाएगा। यार ऐसे नहीं होता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मुझे कॉल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं, ये चीज आप ना माइंड से निकाल दो, क्योंकि आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो किसी बंदे के सामने, ठीक है। तो आप एक एक लाइन बोलोगे या दो दो लाइंस बोलोगे तो बंदा वो पूरे का पूरा आपको समझ जाएगा या आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो या क्या। अभी मैंने, उसने मेरे से पूछ लिया कॉलेज का नाम बता दो, मैंने कॉलेज का नाम बता दिया, बस ऐसा थोड़ी ना है यार। उसे पूरा ब्रीफ दो, तीन या चार लाइंस में आंसर दो उसे, ठीक है। वो बंदा इमेज एक बना सके अपने माइंड में कि ये बंदा इस काम के लिए जा रहा है और ये इस चीजें बोल रहा है, वो जो चीजें बोल रहा है वो सारी जेन्युइन है, ठीक है ना, इस तरीके से बोलो। फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट दी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, कंप्लीट लेके जाओ। ऐसा ना हो कि फाइनेंस का आप इतना बोल रहे हो और आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो कि मेरे पास I-20 तीन में आ गई, लेकिन आप लेके एक ही जा रहे हो, ठीक है ना, उस टाइम प्रेजेंट नहीं है आपके पास, वो भी लेके जाओ अपनी साथ में। जेकर आ गई है, अप्लाई तो हो गई है, पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा है, लेकिन लेके जाओ, ठीक है। और सेविज तो आप लेके जाओगे, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करो, एजुकेशन के भी कैरी करो। और कोई भी ऐसा ना हो कि यार ये डॉक्यूमेंट शायद जरूरत नहीं पड़ती है, वो देखते नहीं है, तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, लेके जाओ सारे के सारे, ठीक है। और इरिटेट उसे ना करो। इरिटेट ऐसा होता है कि वो आपको ना स्पीकर में सुनाई देता है, साइड पे लगा होता है स्पीकर, जिस डेस्क के सामने आप खड़े होते हो, तो कई बार ना उसकी पिच कम होती है, आपको सुन रही होता है। आप एक बार उसने बोल दिया, नहीं सुना, ठीक है, आप पार्डन प्लीज बोल दो, सॉरी बोल दो, है ना, कि दोबारा से बोलो, तो वो दूसरी बार फिर से बोल देता है, तीसरी बार फिर से। वो यार जेकर नहीं सुन रहा है तो आप उन्हें बताओ कि सर मुझे ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप बोलो, तो वो बंदा इस चीज को समझेगा। ऐसा नहीं कि ये आप बार बार पूछी जाओ और वो बंदा इरिटेट हो जाए,
तो इस तरीके की गलती ना करो। अच्छा फिर वीजा लग जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है कि वीजा लगने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। वीजा उसी का नहीं लगता है जो बंदा गलतियां करता है। सिंपल सी बात है, वीजा उसी का ही लगता है जो बंदा पूरा सही जाता है, सही बोल के आता है सारा कुछ। ठीक है, वीजा उसका लग जाता है नॉर्मली, इससे अलावा कुछ नहीं है। बहुत इजी है, और इस इजी के ऊपर आने के लिए बंदा अपने आप को टफ बना लेता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।